आरोही व अवरोही क्रम हम कुछ संख्याएं देखते हैं, जैसे 42, 520, 4226, 12540। हम इन संख्याओं को देखकर यह बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हम देख रहे हैं 42 में 2 अंक हैं, 520 में 3 अंक हैं, 4226 में 4 अंक हैं और 12540 में 5 अंक हैं। अर्थात सबसे बड़ी संख्या 12540 है और सबसे छोटी संख्या 42 है। यदि कुछ संख्याएं हमें दी हुई हैं तो उन संख्याओं में अंकों की संख्या के आधार पर छोटी और बड़ी संख्या का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 42 में केवल इकाई और दहाई, यहाँ पर 2 इकाई का अंक है और 4 दहाई का अंक है, अर्थात यह दहाई तक की संख्या है। लेकिन 12540 में हम देख रहे हैं कि 0 इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है, 5 सैकड़े का अंक है, 2 हजार का अंक है, हजार के स्थान पर है, और 1 10,000 वाले स्थान पर है। इस तरह की संख्याओं को बड़ी आसानी से आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि हम पहले छोटी संख्या लिखें, जैसे कि इस क्रम में लिखा हुआ है, सबसे छोटी 42 सबसे पहले लिखी है, उसके बाद 520, उसके बाद 4226 और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 12540, तो यह क्रम आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम अर्थात छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यदि इस क्रम को उलट दिया जाए, जैसे हम पहले 12540 लिखें, फिर 4226 लिखें, फिर 520 लिखें, फिर 42 लिखें, तो ऐसा क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। अर्थात पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यदि संख्याओं के अंक अलग अलग हैं तो हम अधिक अंकों वाली संख्या को बड़ी संख्या मानेंगे और कम अंकों वाली संख्या को छोटी संख्या मानेंगे। जैसे 520 में 3 अंक हैं तो यह बड़ी है और 42 में 2 अंक हैं तो यह छोटी है। दूसरी स्थिति हम देखते हैं, हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, 4826, 6284, 2846 और 4648। इन चार संख्याओं में हम देख रहे हैं कि केवल 2, 4, 8 और 6 अंक का प्रयोग किया है। हर एक संख्या में 4 अंक हैं, अर्थात प्रत्येक संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तक के अंक दिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम पहले वाली स्थिति का प्रयोग कर छोटी और बड़ी संख्या का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी संख्याओं में 4-4 अंक हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय हमें यह देखना है कि बड़े स्थान पर, अर्थात इकाई के बजाय दहाई, दहाई के बजाय सैकड़ा, सैकड़ा बजाय हजार, बड़े स्थान पर किस संख्या में बड़ा अंक है, अर्थात
जैसे हजार के स्थान पर पहली संख्या में 4 का अंक है, दूसरी संख्या में 6 का अंक है, तीसरी में 2 का अंक है और चौथी में 4 का अंक है। तो हम देख रहे हैं कि 6 का अंक इनमें सबसे बड़ा है, अर्थात 6284 इन चारों अंकों में सबसे बड़ी है, अर्थात 6284 इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। इसको अब हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम दूसरी संख्या देखते हैं कि इससे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4826 और 4648 दोनों में हजार के स्थान पर 4 का अंक है। जब हजार के स्थान पर दोनों में ही समान संख्या है तो हम उसके बाद वाले अंक से तुलना करते हैं। सैकड़े के स्थान पर 4826 में 8 का अंक है, जबकि 4648 में 6 का अंक है, अर्थात 4826 4648 से बड़ी है, तो हम इसको भी लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दो संख्याएं बची, इनमें 2846 में हजार के स्थान पर 2 का अंक है और 4648 में हजार के स्थान पर 4 का अंक है, अर्थात यह संख्या बड़ी है। 4648 को हम लिख देते हैं। और लास्ट में जो संख्या बची वह 2846 है। यहाँ पर हमने सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी। यह अवरोही क्रम है। हम इसके विपरीत यदि सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखें और सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद में लिखें तो आरोही क्रम बना सकते हैं। 2846 इन संख्याओं में सबसे छोटी है, उसके बाद 4648, उसके बाद 4826 और सबसे बड़ी इन संख्याओं में 6284। यह आरोही क्रम है। इस तरह से दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करते समय हमें यह देखना होता है कि उन दो संख्याओं में या अधिक संख्याओं में क्या एक समान अंक हैं। अर्थात जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, हमें सिर्फ दो संख्याएं देखनी हैं, 52 और 46। इन दो संख्याओं में दोनों में ही दो दो अंक हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बड़े स्थान की संख्या से तुलना करते हैं। दहाई पर इसमें 5 का अंक है और इसमें 4 का है, अर्थात 52 बड़ी है 46 से। और यदि संख्याएं कुछ इस तरह दी गई हों, जैसे 403 और 43, हमें ये पता लगाना है इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। बेहद आसान है, 403 में 3 अंक हैं जबकि 43 में सिर्फ 2 अंक हैं, तो 403 बड़ी है 43 से। इस तरह से संख्याओं की परस्पर तुलना कर सकते हैं, साथ ही आरोही क्रम और अवरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित किया जा सकता है।